हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशील आप सभी को एस के सी टाइम्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे नंबर एनालॉगी रीजनिंग के बारे में, जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस वीडियो में जो भी प्रश्न है, सारे के सारे प्रश्न पूछे गए प्रश्न है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं SSC 2010 में पूछे गए प्रश्न, RRB के पूछे गए प्रश्न, ठीक है, तो बैंक के पूछे गए प्रश्न, इस तरह की जो भी क्वेश्चन एनालॉगी के पूछे गए हैं, सारा एक वीडियो में आपको बताया जा रहा है और पार्ट बाय पार्ट वीडियो आपको बताया जा रहा है, जो कि एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों, ये जो है दोस्तों 7वां चैप्टर है, इससे पहले 6 चैप्टर बनाया गया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही घंटी का चिन्ह को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपडेटेड रहे। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो स्क्रीन पे दिया है इसका, तो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्या कहता है। कहता है कि 24 यानी कि ठीक है 24 126, तो 48 कितना होगा, व्हाट की जगह पे क्या होगा, फटाफट आंसर से दोस्तों क्या होगा, और ये SSC 2010 में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों, आप यहाँ से देख सकते हैं क्या कहता है कि 24, और यहाँ से देखिए 125, अगर हम 25 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है दोस्तों, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ से अब चलिए बना ही देता हूँ। यहाँ से देखिए क्या होता है दोस्तों कि 24, ठीक है, तो 24 को आप 5 का स्क्वायर माइनस 1 कर सकते हैं, यानी कि 25 माइनस 1 24 हो गया, ठीक है। तो उसी प्रकार दोस्तों 126 को हम क्या लिख सकते हैं, फटाफट बताएं 126 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 126 को 5 का क्यू माइनस 1 अर्थात 125 माइनस 1 126 प्लस हो जाएगा, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, 125 प्लस 26 हो गया। तो उसी तरह दोस्तों हम इधर चलेंगे, अगर 48 दिया है दोस्तों तो इसको क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर माइनस 1, 49 माइनस 1 यानी कि 48। तो उसी प्रकार दोस्तों यहां से देखिए क्या हो गया, तो 5 का क्यू किया, 5 का स्क्वायर माइनस 1, तो 5 का क्यू प्लस 1 कर दिया, तो 5 का 7 का स्क्वायर माइनस 1, इसलिए 7 का क्यू प्लस 1, तो क्या हो जाएगा दोस्तों फटाफट दे, तो 7 का दोस्तों क्यू क्या होगा, तो 7 का क्यू दोस्तों 343, और 1 जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 344 हो जाएगा। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि डी के साथ हमारा आंसर चला जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। बहुत ही आसान ट्रिक बताया गया, एक बार और समझ लेंगे, अगर नहीं समझे दोस्तों क्या किया गया है, 24, तो 24 को इस रूप में लिखा गया दोस्तों, 5 का स्क्वायर माइनस 1 अर्थात 25 माइनस 1 24 हो रहा है, और फिर दोस्तों 126 को क्या लिखा गया दोस्तों, 5 का क्यू प्लस 1, तो सेम यही प्रोसेस किया गया दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं आप 48 को इस तरह से लिखा गया है, 7 का स्क्वायर माइनस 1, 49 माइनस 1 अर्थात 48, तो इसी तरह क्या कर दिया गया, 7 का क्यू प्लस 1 कर दिया और 344 आ गया, यानी कि डी के साथ हमारा आंसर चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप समझ पा रहे होंगे, और इसी तरह के क्वेश्चन और भी आपको बताया जा रहा है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो कि पूछे गए प्रश्न आपको बताई जा रही है। तो यहाँ से देख सकते हो, 987 और IHG 654 और डैश, व्हाट के जगह पे क्या होगा, फटाफट बताएं दोस्तों। तो यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, इसमें कुछ नहीं किया गया, 97 और ये SSC 2010 में पूछा गया प्रश्न है, 987, तो यहाँ से अल्फाबेट नंबर दिया है और कुछ नहीं है, तो यहाँ से 9 क्या होता है दोस्तों, आई होता है, एच क्या होता है देख सकते, 8 जो होता है एच होता है, और 7 के स्थान पे क्या होता है दोस्तों, जी होता है, ये आपको यहाँ दे रखा है, तो इसका बताना है। तो जैसे 654, तो यहाँ से 6 जान लीजिए दोस्तों, 6 का जो होता है एफ होता है, फिक्स 6, इस तरह से आप याद रख सकते हैं, फिक्स 6, ठीक है, तो एफ फॉर फिक्स, तो 6 होता है इसका। उसके बाद 5 का होता है क्या होता है, तो 5 का जो होता है दोस्तों ई होता है, क्या होता है, ई होता है, इजोटी आपको याद होगा, हम लोग चलेंगे अल्फाबेट भी बताएंगे तो उसमें आपको अच्छी तरह से बताएंगे, रैंकिंग में इसका काम भी आता है, ठीक है। तो 4 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 को दोस्तों लगभग पता ही होगा, तो क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो FED कहाँ है दोस्तों, FED देखिए कहाँ है, इसमें जहां पे होगा वही इसका आंसर होगा, FED दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शंस जो है नहीं दिया गया, लगता है मिसटाइप हो गया है, तो FED यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है, FED, ठीक है, यानी कि बी के साथ आंसर जाएगा, यहाँ मिसटाइप के कारण गलती हो गया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, FED जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया जाता है दोस्तों, वो भी पूछे गए प्रश्न आपके लगाया जा रहा है एसएससी 2010 में, ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, 17 तो वाट, तो 145 का 195 था। हम लोग इधर से चलेंगे दोस्तों, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे दोस्तों कि 17 वाट है तो 145 195 कैसे हो गया ना, तो ये चीज हम लोग को देखना होगा। तो आप लोग, हम लोग देख सकते हैं दोस्तों क्या है यहाँ पे, कि अगर 12 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है दोस्तों, 144, और इसमें अगर 1 जोड़ते हैं तो क्या होता है दोस्तों, 145 हो गया। उसी तरह दोस्तों अगर हम 14 का स्क्वायर करते हैं और इसमें -1 कर देते हैं तो 196 होता है 14 का स्क्वायर, इसमें माइनस कर दिए तो 195 हो गया। हो गया, सेम प्रोसेस पे चलेंगे हम लोग दोस्तों। इसमें क्या करते हैं, अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं और +1 करते हैं तो 4 का स्क्वायर 16 +1 कितना हो दोस्तों, 17। अब यहाँ क्या किए थे, इसे 2 लेके चले थे ना, तो इसलिए 2 बढ़ा के चलेंगे, 6 का स्क्वायर -1 कर देंगे तो दोस्तों 36 -1 कितना हो जाता है दोस्तों, 35 हो रहा है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर चला जाएगा और बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये आप समझ पा रहे होंगे बहुत ही आसान ट्रिक से, आसान माध्यम से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगाया जाता है दोस्तों, अगर ये अच्छी लग रही तो लाइक भी जरूर कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लगाया जाता है, देखते दोस्तों क्या कहता है कि 25, 175 और 32 तो वाट के स्थान पे क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, तो देखते से ऑप्शंस 150, 170, 160 और 162 है, और ये दोस्तों एसएससी सीजीएल 2010 पे पूछा गया प्रश्न है, जो कि एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा आने वाले एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो आप जो है दोस्तों इसका फटाफट सॉल्यूशन करके बताइए। तो दोस्तों यहाँ से हम देख सकते हैं कि 25 को 175 बनाया गया, तो दोस्तों ये जो इसको इस हिसाब से बनाएंगे हम लोग देख लेंगे, जिनका बन गया कमेंट करें, जिनका नहीं बना वो देख लें यहाँ पे। तो यहाँ से दोस्तों क्या है, 25, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कितना से करें कि 175 आ जाए। तो दोस्तों 25 को अगर 2+5 कर दें, ठीक है, यहाँ 7 नहीं होगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, 2+5 कर दें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये दोनों जुट के 5 और 2 7 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 25 × 7 हो गया, और जब इसको 25 को 7 से गुना कर दोस्तों 175 आता है। ठीक है, 175 आता है, ये सभी जानते हैं, और करके देखिए आएगा भी। उसी तरह दोस्तों अगर हम 32 को मल्टीप्लाई कर दे किससे, 3+2 से, तो यहाँ से क्या आ रहा है दोस्तों, 32 × 3 = कितना, 5, और 32 को अगर हम दोस्तों 5 से गुना करते हैं तो हमारा आंसर आ रहा है दोस्तों कितना, 160, जो कि सी के साथ आंसर चला जाएगा और सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान मेथड से आपको बताया गया है, उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे, नहीं समझ पा रहे हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और इसे और भी इसी तरह के क्वेश्चंस, इसी तरह इस टाइप का क्वेश्चंस बताया जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एसएससी एलडीसी 2010 में पूछा गया प्रश्न है ये, 83, 25 तो 29 तो वाट के स्थान पे क्या होगा। ये भी बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है दोस्तों, तो यहां से देख सकते हैं दोस्तों ये जो 25 किया है 83 को कैसे किया है, तो देख सकते हैं दोस्तों क्या होगा, 8 है और 3 है, तो अगर दोस्तों 8 में हम 3 को माइनस कर दें, 8 − 3 कर दें तो क्या आ रहा है दोस्तों, 5 आ रहा है, अगर इस 5 का हमें स्क्वायर कर दें दोस्तों तो क्या आ रहा है हमें, 25 आ रहा है, 25 प्राप्त हो रहा है। सेम इसी प्रकार दोस्तों, जिस प्रकार से यहाँ 25 आया है, सेम मेथड इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम 9 में 2 माइनस कर दे तो कितना आ रहा है दोस्तों, 7 आ रहा है, अगर 7 का स्क्वायर कर दे तो कितना आएगा दोस्तों, 49 आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि हमारा दोस्तों सी के साथ आंसर चला जाएगा, जो कि सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों ये आप समझ पाए होंगे, तो आज के लिए इतना ही रहने दिया जाता है दोस्तों, हम लोग मिलेंगे नई वीडियो में, नई जोश, नई एनर्जी, नई मॉर्निंग के साथ, और भी नंबर एनालॉगी के वीडियो, जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं प्रश्न, उन सारे प्रश्न को बताया जाएगा, ताकि आने वाले एग्जाम में आपके लिए इस तरह की कठिनाइयों का सामना करना ना पड़े। तो ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे हम लोग नई वीडियो में, नई जोश, नई एनर्जी, नई मॉर्निंग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें, धन्यवाद।